जैसे ही दुनिया के रहस्यमयी स्थानों का जिक्र होता है तो उनमें से एक नाम इजिप्ट के पिरामिडों का भी आता है। आज के 4000 साल पहले जब छोटा सा घर बनाना भी बड़ी बात थी, तब इतने विशालकाय और इतने सटीक आकार की इमारतें बनाना कैसे संभव हुआ, और पिरामिडों में छिपे अनेक रहस्यों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात कि पिरामिड जिन विशालकाय पत्थरों यानी लाइमस्टोन से बनाए गए थे, उनका वजन लगभग 2700 किलोग्राम से 7000 किलोग्राम तक था, और एक पिरामिड को बनाने में लगभग ऐसे ही 23 लाख लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में बड़ी विशालकाय क्रेनों द्वारा भी अधिकतम 20000 किलोग्राम तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो आज के 4000 साल पहले इतने बड़े और भारी लाइमस्टोन्स को कैसे उठाकर पिरामिड के निर्माण के लिए लाया गया होगा? ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिडों का निर्माण करते समय किसी तरह की एलियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा, जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा उन्नत थे। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के अनुसार मिस्र के पिरामिड तारों के एक विशेष क्रम को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। तारों के साथ पिरामिड को सटीक तरीके से अलाइन करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर का व्यू होना जरूरी है, तो ज़मीन पर ही रहकर ऐसा कर पाना कैसे संभव हुआ? ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए एलियंस के यूएफओ का प्रयोग किया गया होगा। पिरामिड क्यों बनाए गए? इस बारे में यह कहा जाता है कि पिरामिड राजा रानियों के शवों को 4000 साल पहले के रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। मिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटी के अनुसार वर्तमान समय तक एक पिरामिड के निकट 8 ममीज पाई गईं, जिनमें से 3 सही दशा में मिली। जब भी राजा या रानी की मृत्यु होती तो उन्हें लेनिन नाम के एक फैब्रिक से पूरी तरह से लपेट कर ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता। इन्हें ही ममी कहा जाता था। पिरामिड एक विशेष स्थान पर बनाए गए थे। ऐसे स्थान का चुनाव बनाने वालों ने कैसे किया, जबकि 4000 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी? साथ ही साथ ये पिरामिड भूकंपरोधी कैसे थे? इतनी गर्मी और कठिन पर्यावरणीय दशाओं के बावजूद भी इनके अंदर का तापमान सामान्य कैसे था? क्या कभी कोई पिरामिड के अंदर गया, और अगर गया तो क्या पाया? पिरामिडों के साथ बने द ग्रेट स्फिनिक्स स्टैचू के क्या रहस्य हैं? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। हमसे जुड़े रहिए।